तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आधार पीवीसी कार्ड। दोस्तों, जो आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड होता है वो किस प्रकार हम अपने घर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास आधार कार्ड होते हैं वो प्रिंट किए होते हैं, जो वो कागज़ के होते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों प्लास्टिक यानी कि पेन कार्ड जैसे एटीएम जैसे प्लास्टिक वाले पीवीसी कार्ड को किस तरह से हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपना आधार के पीवीसी कार्ड को किस तरह से हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च आइकन पर सर्च करना होता है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर सर्च करना होता है UIDAI। दोस्तों UIDAI हमें सर्च करना होता है। दोस्तों हम जैसे ही सर्च करते हैं UIDAI तो दोस्तों यहाँ पर आपका न्यू जो है टैब ओपन होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों माई आधार। दोस्तों माई आधार जहाँ पर लिखा होता है यहीं पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर न्यू टैब एक ओपन होता है जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जब आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है वहाँ से दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन एक शो हो रहा होता है दोस्तों लॉगिन। दोस्तों लॉगिन ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर चुका है और आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल चुका है। दोस्तों यहां से हम अपना आधार नंबर है जो इंटर कर लेते हैं। दोस्तों यहां से हम अपना आधार नंबर इंटर कर चुके हैं दोस्तों और नीचे अपना कैप्चा फिल करना होता है। दोस्तों अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आती है तो कैप्चा को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम चलिए कैप्चा को यहाँ से दोस्तों हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं और फिर सेंट OTP वाले ऑप्शन जो दिखाई आपको दे रहे हैं वो वहाँ पर हमें क्लिक करना होता है दोस्तों। सेंट OTP वाले जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जनरेट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम अपने OTP को दोस्तों इंटर OTP कर देते हैं और दोस्तों लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका दोस्तों जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर हमें क्लिक करना होता है दोस्तों। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैब ओपन होता है जहाँ पर आपकी दोस्तों डिटेल दिखाई दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपके फ़ोटो, यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, पूरी जानकारी यहाँ पर आपका शो होती है। तो दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर एक नीचे दोस्तों टिक वाले ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से आप क्लिक करके दोस्तों माइक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है दोस्तों। हम माइक पेमेंट वाले जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन खुल जाते हैं जो कई सारे हैं। किसी भी आप पेमेंट ऑप्शन से अपने दोस्तों आधार के ऑर्डर के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप वॉलेट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, व्हाट्सएप, पेटीएम एवं फ़ोनपे, UPI दोस्तों इन सारे पेमेंट ऑप्शन से आप पेमेंट करके आप अपना पीवीसी कार्ड घर पर मंगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ की आप पेमेंट अगर कर देते हैं यहाँ से तो आपका ऑर्डर जो होता है वो कंफर्म हो जाता है दोस्तों। हमने अपना आधार जो पीवीसी कार्ड है वो पहले ही मंगा चुके हैं तो दोस्तों यहाँ से हम आगे की प्रक्रिया को नहीं देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पीवीसी कार्ड को घर पर मंगा सकते हैं दोस्तों। आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो के लिए आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।